dear students, I extend a very warm and hearty welcome to all of you in the EVS class. How are you all doing? I'm sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, children, so that you stay happy and healthy. Here I am with another video of chapter number 18, Weather and Clothes. In this lesson, children, we have started with the exercises. Until now, we have done tick the correct option and some fill in the blanks. There are some more fill in the blanks, then question answers are there and hot question answers are there. So today we will continue with the exercises only. I hope the chapter is clear to all of you, whatever I have explained. In this chapter, we have discussed about weather, what is weather, different types of weather, then what is the difference between weather and season, then clothes, why do we wear clothes, why do we wear different types of clothes according to the weather, and then materials of cloth. ठीक है, अभी इस चैप्टर में हमने क्या क्या बातें किया, क्या क्या डिस्कस किया. इस चैप्टर में हमने वेदर के बारे में डिस्कस किया कि वेदर किसे कहते हैं, वेदर कितने टाइप का होता है, वेदर और सीजन में क्या डिफरेंस है. फिर हमने बात किया कि कपड़े क्यों पहनते हैं हम, अलग अलग वेदर के अकॉर्डिंग, अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, उनका मटेरियल क्या होता है, कपड़े क्यों पहनते हैं. सो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू नाउ. अभी तक सबको ये समझ में आ गया होगा. एंड इन केस ऑफ एनी डाउट, यू कैन ऑलवेज क्लैरिफाई योर डाउट्स इन द ऑनलाइन क्लासेस. सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट वी विल डू रिमेनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, then question answers, and after that we will be doing hot question answers. Okay, so are you all ready to start the class? Let us begin the class now. First is fill in the blanks. Fill in the blanks. First is LIGHTENING, lightning, along with HEAVY, heavy rains is known as. क्या बोलते हैं, जब बहुत बार बारिश के दिन में बारिश शुरू होने से पहले बहुत तेज बिजली चमकती है, बहुत तेज बादल गरजते हैं, तेज हवा चलती है, बारिश शुरू हो जाती है, तो ये सारे सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं, इन सबको मिलाकर के कहते हैं थंडर स्टॉर्म, तूफान. ओके, सो लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब है जो बिजली चमकती है. सो लाइटनिंग अलॉन्ग विथ हेवी रेन्स इज नोन एज थंडर स्टॉर्म. THUNDER, thunder, STORM, thunder storm. Then next is weather, WEATHER, weather of a place is not what, किसी भी जगह का वेदर क्या नहीं होता है. यू कैन से वेदर ऑफ अ प्लेस इज नॉट फिक्स्ड, यू कैन से वेदर ऑफ अ प्लेस इज नॉट सेम एवरी डे, बट इफ यू राइट सेम तो कंप्लीट सेंटेंस होगा कि वेदर ऑफ अ प्लेस इज नॉट सेम एवरी डे, बट आई हैव मेड अ ब्लैंक एंड देन फुल स्टॉप. सो यहाँ पे एक वर्ड आएगा, सो द वर्ड इज फिक्स्ड. Weather of a place is not fixed.
मतलब किसी भी जगह का जो वेदर होता है वो फिक्स, जैसे मैंने बताया वो फिक्स नहीं होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। मतलब फिक्स का मतलब ये है कि अगर आज गर्मी है तो जरूरी नहीं है कि दिन भर वैसे ही गर्मी रहे, नेक्स्ट फ्यू डेज तक वैसे ही गर्मी रहे, इट इज नॉट नेसेसरी। अभी सुबह गर्मी है, हो सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे वेदर थोड़ा चेंज हो सकता है, थोड़ा क्लाउडी हो सकता है, हवा चल सकती है, मौसम ठंडा हो सकता है, सो वेदर ऑफ अ प्लेस इज नॉट फिक्स। देन थर्ड वन इज वी वेयर डैश क्लॉथ्स ऑन डिफरेंट डेज ACCORDING अकॉर्डिंग टू द वेदर WEATHER। Now we wear dash clothes on different days according to the weather. Weather के according हम अलग अलग दिन पे कैसे कपड़े पहनते हैं? We wear same clothes or different clothes. We wear dash clothes on different days according to the weather. मतलब हम weather के हिसाब से अलग अलग दिन पे कैसे कपड़े पहनते हैं? सेम कपड़े पहनते हैं या अलग अलग पहनते हैं? वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स। गर्मी में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें कंफर्ट दें, विंटर्स में ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें विंटर्स में कंफर्ट दें, रेनी सीजन में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें रेनी सीजन में कंफर्ट दें। सो वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर सो दैट वी आर कंफर्टेबल। अब अगर हम समर्स में थिक मोटे 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 कपड़े पहन ले या वुलन्स पहन ले तो कंफर्टेबल होंगे, गर्मी से पागल हो जाएंगे, नहीं रह सकते। और विंटर्स में अगर हम बहुत हल्के समर्स वाले कपड़े पहन लेंगे, वुलन्स नहीं पहनेंगे, देन ऑल्सो वी कैन नॉट स्टे, ठंड लगेगी, बहुत ठंड लगेगी, ठंड में कांपते रहेंगे पूरे टाइम। सो वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स DIFFERENT वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स ऑन डिफरेंट डेज अकॉर्डिंग टू द वेदर। हम वेदर के हिसाब से अलग अलग दिन पे अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। अभी यह है कि एक समर सीजन है तो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में हम रोज रोज अलग अलग तरह के कपड़े नहीं पहनते। जैसे समर सीजन है, गर्मी का दिन है, तो हम रोज ऐसी गर्म कॉटन कपड़े पहनते हैं जिससे हमें आराम मिले, ठीक है। समर्स में हम रोज ऑलमोस्ट कॉटन ही कपड़े पहनते हैं। जब बारिश शुरू होती है तो देखा चार थोड़ा सा लग रहा बारिश हो सकती है, क्लाउडी है, तो रेनी सीजन में हम थोड़े सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं। तो डिफरेंट डेज डज नॉट मीन कि हम समर में भी आज थोड़ा सा क्लाउडी है तो चलो आज गर्म कपड़े पहन लेते हैं, ऐसा नहीं है। वुलेंस वी वेयर ड्यूरिंग विंटर ओनली, कॉटन क्लॉथ्स, लाइट कॉटन क्लॉथ्स वी वेयर ड्यूरिंग समर्स, ठीक है। बट अलग अलग दिन का मतलब है कि अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज ड्यूरिंग डैश द डेज आर वॉर्म एंड सनी। किस समय किस सीजन में डेज वॉर्म एंड सनी होते हैं? समर में या विंटर में या रेनी सीजन में? किस समय डेज जो है, डेज का मतलब है जो दिन, मतलब वॉर्म गर्म और बहुत सनी मतलब धूप वाले, कौन से सीजन में होते हैं? इट इज वेरी कॉमन इन समर। सो द आंसर इज ड्यूरिंग समर, SUMMER, ड्यूरिंग समर द डेज आर वॉर्म एंड सनी। मतलब समर सीजन में दिन जो होते हैं बहुत वॉर्म गर्म और सनी होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन दीज वर द फोर मोर फिल इन द ब्लैंक्स, ये और फिल इन द ब्लैंक्स बचे हुए थे इतने, वी हैव डन दिस, नाउ वी विल स्टार्ट विथ question answers, okay, we will start with the question answers. So I hope you all have written this, aap sabne isko likh liya hai, main rub kar rahi hu, and even if you are not able to write, agar nahi kisi ka complete ho paya hai, to you can always watch the video later and complete your work. Aap baad mein karke apna work video on karke apna work complete kar sakte ho, okay. So I am rubbing this and now we will start with the question answers. Question answers, there are question answers and then there are hot question answers also, okay.
Now first is answer the following. Answer the following. FOLLOWING. Answer the following. Following का मतलब I hope by now it is clear to everyone. Following मतलब जो दिए हुए question answers हैं. Okay? Following का मतलब है जो दिए हुए question answers हैं. So first question is, question number one is, what do you mean by weather? WEATHER. What do you mean by weather? मतलब what do you mean by weather का मतलब है कि weather से आप क्या समझते हो. That means you have to write the meaning of weather. जो भी हमने lesson में पढ़ा कि हम किसे weather कहते हैं, so we have to write the meaning of weather. What is weather, children? Weather is the state of air or state of the atmosphere at any particular place and time. जो हमारे आसपास की air है, that is our atmosphere only. ये मैंने बताया था कि earth is covered with layers of air. Earth जो है वो layers of air से covered है. Layers of air मतलब layer की अलग air की अलग अलग layers है. जैसे ground level से अराउंड 5, 6, 7, 8 किलोमीटर तक एक लेयर है, उसके बाद फिर एक और लेयर आती है, फिर और लेयर आती है. तो वी लिव इन द फर्स्ट लेयर. जो ग्राउंड से लेकर के जो फर्स्ट लेयर होती है, हम उसी लेयर में रहते हैं. तो उस लेयर में हमारे जो आसपास की एयर है, दैट इज द एटमोस्फियर, उसी को एटमोस्फियर बोलते हैं. तो हमारे आसपास का जो उस समय एटमोस्फियर है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, उसे कहते हैं वेदर. नाउ इन द सेम कंट्री, इसी कंट्री में, हमारी कंट्री में ही, अब आज की डेट में, लाइक 27th अक्टूबर, तो आज की डेट में इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल ओवर इंडिया में वेदर सेम होगा. एट आवर प्लेस इट मे बी नॉट टू वार्म और टू कोल्ड. बहुत ठंड नहीं है, बहुत गर्म नहीं है, प्लेजेंट वेदर है. हिल्स पे आप जाओगे, अगर हिल्स का वेदर हम देखेंगे तो मे बी वहां पे कहीं कहीं पे हो सकता है, जो बहुत हाइट पे जगह है, हो सकता है वहां पे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई हो. हिल्स पे जो जगह है वो हमारे यहाँ से कंपैरेटिवली ज्यादा ठंडी होंगी, वहां का टेम्परेचर कम होगा. जो सिटीज, जो जगह है सी के पास पड़ती हैं, वहां पे थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर रिमेन्स मॉडरेट, इन द सेंस कि बहुत ज्यादा वहां ठंड भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है. एंड इफ यू टॉक अबाउट अदर कंट्रीज, अगर हम दूसरे देशों की बात करेंगे तो दूसरे देशों में कहीं कहीं पे बहुत ठंड भी इस समय शुरू हो चुकी होगी, बहुत ज्यादा वहां ठंड होगी, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी भी होगी. तो जो अर्थ का, जो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, उसकी किसी पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस पे उसकी क्या स्टेट है, मतलब उस समय ठंडी हवा है, गर्म हवा है, बारिश हो रही है, क्लाउडी है, कैसा है, दैट इज वेदर. ओके, सो द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय वेदर? आंसर इज WEATHER. weather means का मतलब होता है मतलब. so weather means the state of the atmosphere. weather means the state of the atmosphere at a पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. वेदर का मतलब है कि द स्टेट ऑफ द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर और एयर बोथ आर सेम, चाहे आप एटमोस्फियर बोलो चाहे एयर बोलो. सो वेदर मीन्स द स्टेट ऑफ द एटमोस्फियर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, दैट इज वेदर. क्वेश्चन नंबर टू इज, What do we get? This is question number three. Question number two is, what do we get from a cotton plant? What do we get from a cotton plant and sheep
RESPECTIVELY respectively. What do we get from a cotton plant and a sheep respectively? The word respectively means, जैसे हमने लिखा कि what do we get from a cotton plant and a sheep respectively. इसका मतलब है कि हमें cotton plant और sheep से क्या मिलता है. तो ये दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग लिखने के बजाय क्या किया है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग बोथ द क्वेश्चंस सेपरेटली, दोनों क्वेश्चन को हमने कंबाइन कर दिया. एंड सेपरेटली का रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि फर्स्ट कॉटन प्लांट से क्या मिलता है एंड उसके बाद शीप से क्या मिलता है, इसका मतलब है रेस्पेक्टिवली. ओके, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम अ कॉटन प्लांट एंड अ शीप रेस्पेक्टिवली, मतलब हमें कॉटन प्लांट एंड शीप से क्या मिलता है. सो वेन यू राइट द आंसर, जैसे रेस्पेक्टिवली वर्ड है तो जो चीज आपसे पहले कॉटन प्लांट पूछा है तो फर्स्ट यू हैव टू राइट कि व्हाट डू यू गेट फ्रॉम कॉटन प्लांट एंड देन यू हैव टू राइट व्हाट डू यू गेट फ्रॉम अ शीप. ओके, सो रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में पूछा है यू हैव टू राइट द आंसर इन दैट सीक्वेंस ओनली. ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि वी गेट वूल एंड कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट एंड शीप. पहले कॉटन प्लांट से पूछा है तो कॉटन प्लांट से क्या मिलता है, यू हैव टू राइट दैट एंड देन यू हैव टू राइट दैट व्हाट डू यू गेट फ्रॉम शीप, उसी सीक्वेंस में लिखना है. ओके, सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम अ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलता है, दिस वी हैव डन इन अर्लियर चैप्टर ऑल्सो, क्लॉज थ्री वेयर जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था कि कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलता है, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. कॉटन मिलता है फिर उस कॉटन को पूरा उसके प्रोसेस के बाद उससे थ्रेड बनता है, यार्न बनाते हैं एंड देन द थ्रेड इज वोवेन इनटू द कॉटन इज वोवेन इनटू थ्रेड और फिर थ्रेड से कपड़े बनते हैं. कॉटन प्लांट जो होता है पहले उसको डीसीड करते हैं बिकॉज उसके अंदर सीड्स होते हैं, तो सीड निकालते हैं फिर उसका पूरा प्रोसेसिंग होती है, फिर वो फैक्ट्री में जैसे जाता है उसका जो भी जहां पे भी काम होता होगा वहां जाता है, फिर उसका पूरा प्रोसेस होता है, उस कॉटन को क्लीन करके प्रोसेस करके उससे थ्रेड बनते हैं, फिर उस थ्रेड से क्लॉथ्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं अंदर, फिर वो कपड़े हम यूज करते हैं. सो वी गेट, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम अ कॉटन प्लांट, वी गेट कॉटन फ्रॉम अ कॉटन प्लांट एंड शीप से क्या मिलता है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम शीप, वी ऑल नो दैट वी गेट वूल फ्रॉम अ शीप. शीप से जो वूल मिलता है उसका जो हेयर होता है उसको कट करते हैं एंड दैट हेयर इज नॉट द वूल, मतलब वो डायरेक्टली वो वूल की तरह नहीं यूज होता, दैट इज द वूल, बट उसको क्लीन करके अगेन पूरा प्रोसेस करके उसको पहले से क्लीन किया, पूरा प्रोसेस किया, फिर उसके जो पूरा यार्न बनता है, जो वूल होता है उसका पूरा यार्न पूरा थ्रेड बनता है एंड फिर उससे वुलन क्लॉथ्स बनते हैं. दैट जो वूल होता है वो वाला वूल बहुत दैट वूल इज वेरी वार्म, जो शीप का जो वूल होता है वो बहुत वार्म होता है. ठीक है, सो वी गेट कॉटन फ्रॉम अ कॉटन प्लांट एंड वूल फ्रॉम SHEEP शीप रेस्पेक्टिवली. वी गेट कॉटन फ्रॉम अ कॉटन प्लांट एंड वूल फ्रॉम शीप रेस्पेक्टिवली, मतलब हमें कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है एंड शीप से वूल मिलता है. ओके, सो राइट द आंसर चिल्ड्रेन. आई होप एवरी वन हैज रिटन. वन मोर क्वेश्चन इज देयर, वन मोर क्वेश्चन इज देयर, इसके बाद वो लोग क्वेश्चन लिखूंगी एंड आफ्टर दैट हॉट क्वेश्चन आंसर्स आर देयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको रब कर दू बेटा मैं, क्वेश्चन नंबर थ्री इज, क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाई डू वी नीड टू वेयर क्लॉथ्स, व्हाई डू वी
need to wear clothes, clothes. Why do we need to wear clothes? मतलब हमें कपड़े पहनने की जरूरत क्यों होती है? ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया कि हमें कपड़े पहनने की जरूरत क्यों होती है. कपड़े नहीं पहने बगैर रह नहीं सकते हम. आंसर इज वी नीड टू वेयर क्लॉथ्स बिकॉज का मतलब है क्योंकि. वी नीड टू वेयर क्लॉथ्स बिकॉज फर्स्ट पॉइंट इज क्लॉथ clothes क्लॉथ्स प्रोटेक्ट protect प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श WEATHER हार्श वेदर लाइक हॉट सन और कोल्ड विंड और हैवी रेन. फर्स्टली व्हाई डू वी नीड टू वेयर क्लोथ्स? वी वेयर क्लोथ्स, वी नीड टू वेयर क्लोथ्स बिकॉज क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श वेदर लाइक हॉट सन और कोल्ड विंड और हैवी रेन. देन सेकेंड इज दे मेक अस लुक गुड एंड स्मार्ट. क्लॉथ्स मेक अस लुक गुड एंड स्मार्ट. कपड़े हम पहनते हैं तो हम अच्छे लगते हैं, स्मार्ट दिखते हैं. एंड थर्ड इज दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम INSECT इंसेक्ट बाइट्स. क्लॉथ समय कपड़े जो है वो हमें इंसेक्ट बाइट से भी प्रोटेक्ट करते हैं, इंसेक्ट बाइट से भी बचाते हैं. तो चिल्ड्रन राइट दिस आंसर, दिस वन मोर क्वेश्चन. राइट दिस आंसर. आई होप यू ऑल हैव रिटन. सबने लिख लिया इसको, अभी रब कर दूं मैं. नो क्वेश्चन नंबर फोर इज आर ऑल द क्लॉथ्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल. आर ऑल द क्लॉथ्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, इसका मतलब है कि क्या सारे कपड़े सेम मटेरियल के बने होते हैं? डू यू थिंक ऑल द क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल? नो, ऑल द क्लॉथ्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेम मटेरियल. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल अवेलेबल. बहुत तरह के मटीरियल मिलते हैं जिनसे कपड़े बने रहते हैं. हमने तो बुक में जस्ट स्पोक अबाउट, हमने सिर्फ कॉटन सिंथेटिक अनवुलेंस के बारे में डिस्कस किया. अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर मेनी टाइप्स ऑफ मटीरियल अवेलेबल. बहुत तरह के मटीरियल्स हैं जिनसे कि कपड़े बनते हैं. सो द आंसर इज आर ऑल द क्लॉथ्स मेड अप ऑफ सेम मटीरियल? Answer is no. All the clothes clothes all the clothes are not made up of same material. मतलब सारे क्लॉथ जो है वो सेम मटीरियल के नहीं बने होते हैं. ओके, नो क्वेश्चन आंसर्स आर ओवर चिल्ड्रेन. नो नेक्स्ट इज हॉट्स क्वेश्चन आंसर्स. हॉट्स दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. ठीक है, इन एवरी लेसन देर आर टू और थ्री क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन हॉट्स.
हॉट्स का मतलब है कि दीज क्वेश्चन आंसर्स आर नॉट डायरेक्टली, इनके आंसर्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे, बट द आंसर्स आर फ्रॉम द लेसन ओनली. नो बी एज एच ओ टी एस हॉट्स. फर्स्ट इज हाउ डू यू फील इफ यू वेर, हाउ डू यू फील इफ यू वेर WOOLLEN वूलन क्लॉथ ड्यूरिंग SUNNY सनी डेज. मतलब हाउ डू यू फील इफ यू वेर वेयरिंग इफ यू वेयर वूलन क्लॉथ ड्यूरिंग सनी डेज. मतलब अगर सनी डेज मतलब गर्मी के दिन में अगर आप वूलन क्लॉथ पहनोगे तो कैसा फील करोगे. तो जस्ट इमेजिन कि अभी का जो वेदर है इसी में अगर आप वूलन क्लॉथ पहन लोगे तो कैसा लगेगा. वी विल फील सो हॉट, गर्मी लगेगी, इरिटेशन होगा, कितना अनकंफर्टेबल लगेगा ना. तो जस्ट इमेजिन कि जब एकदम गर्मी रहती है अपने पीक पे लाइक मई जून अप्रैल का जो टाइम होता है उस टाइम पे अगर आप वूलन क्लॉथ पहन लोगे तो कितना अनकंफर्टेबल लगेगा. तो इसका क्या आंसर होगा, हाउ डू यू फील इफ यू वेयर वूलन क्लॉथ ड्यूरिंग सनी डेज, अच्छा लगेगा या बहुत तकलीफ होगी. ऑब्वियसली तकलीफ होगी क्योंकि वुलन क्लॉथ तो हम विंटर में पहनते हैं. सो हाउ डू यू फील, आंसर इज वी विल फील वेरी UNCOMFORTABLE अनकंफर्टेबल इफ वी विल फील वेरी अनकंफर्टेबल इफ वी वेयर वूलन WOOLLEN वूलन इज WOOLLEN. वी विल फील वेरी अनकंफर्टेबल इफ यू वेयर वूलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग SUNNY ड्यूरिंग सनी डेज. ठीक है, वी विल फील वेरी अनकंफर्टेबल इफ यू वेयर वूलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग सनी डेज. Then next is find out the names of synthetic materials used in making clothes. Question number 2 is find out the names of synthetic materials used in making clothes. मतलब जो synthetic material जो use होता है synthetic कपड़े बनाने के लिए उसमें जो material use होता है उसका आपको नाम पता करना है. So this answer I will not write. This is homework for you. First you find out ki what are the synthetic materials which are used in making of synthetic clothes. Jaise humne bataya tha, maine bataya tha class mein ki there are natural fibers like cotton, jute, silk. These are natural fibers because ye jo material hai ye fiber hame nature se milta hai. Cotton plant se milta hai. Silk is obtained from silkworm. Jute is obtained from jute plant. But synthetic material जो होता है that is made by human beings using different artificial materials. अलग अलग artificial material use करके जो कपड़े बनाते हैं जो cloth तैयार होता है वो synthetic है. तो this is your homework. पहले आप पता करो कि synthetic कपड़े बनाने में कौन कौन से synthetic material use होते हैं and then I will tell you. Okay? Then life skill. Life skill, जैसे मैंने बताया था the skills which are required for every day. If you have old sweaters, would you mind giving one of your old sweaters to a poor boy or a girl? आपके पास जैसे अगर पुराने sweaters है तो आप अगर किसी जो कोई गरीब है जिसके पास उतने गर्म कपड़े नहीं है तो अगर किसी गरीब लड़का या लड़की को अगर आपको अपने पुराने sweaters देने पड़ेंगे तो आप दोगे. आई एम श्योर वी ऑल वुड लव टू गिव. अगर इवन इफ हमारे पास अगर पुराने बहुत पुराने स्वेटर्स नहीं अगर हम पहनते भी हैं बट इफ यू सी समवन कि वो शिवरिंग इन कोल्ड, कोई भी बच्चा जिसके पास ठंड में बिल्कुल सिकुड़ रहा है स्वेटर पहनने को नहीं है तो आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस वुड माइंड गिविंग.
मतलब मुझे नहीं लगता है कि हम में से किसी को भी कोई भी थोड़ा सा भी तकलीफ होगी कि अपना एक स्वेटर हम किसी गरीब बच्चे को दे दें। हम सबके पेरेंट्स, आप सबके पेरेंट्स, दे आर वेरी वेरी कैपेबल, आप सबको एक नया स्वेटर खरीद के दे सकते हैं। बट अगर किसी आप ऐसे बच्चे को देखते हो जिसके पास कि विंटर्स में स्वेटर नहीं है, ठंड से बिल्कुल सिकुड़ रहा है, तो आई डोंट थिंक एनी ऑफ यू वुड माइंड, कोई नहीं माइंड करेगा देना, हर कोई चाहेगा कि हाँ हम उसकी किसी भी तरह से हेल्प करें। सो इफ योर आंसर इज येस, वॉट काइंड ऑफ फीलिंग विल यू गेट, अगर आप दे दोगे तो आपको कैसा लगेगा। आई एम श्योर किसी की हम हेल्प करके हमको अच्छा ही लगता है, वी ऑलवेज फील गुड वेन वी हेल्प समवन इन एनी वे, मतलब हम किसी भी तरह से हम किसी की अगर हेल्प कर सकते हैं तो हमको अच्छा ही लगता है। तो अगर हम किसी को अपना स्वेटर दे देते हैं तो आई एम श्योर वी ऑल विल फील गुड। एंड सर्कल योर आंसर, हैप्पीनेस और सैडनेस, हैप्पीनेस एंड सैडनेस बोथ आर फीलिंग्स, ठीक है, ये दोनों हमारी मतलब फीलिंग जो हम जैसा हम महसूस करते हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हम देख सकें या टच कर सकें, इट इज समथिंग विच वी फील इनसाइड। कुछ काम करके हमको बहुत खुशी मिलती है, हो सकता है कभी ऐसा हो कि कोई देखा कोई गरीब बच्चा है, कोई ऐसा बच्चा है जिसने स्वेटर नहीं पहने, ठंड में बिल्कुल अकड़ रहा है, सिकुड़ रहा है, बट आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते हो, आपके पास आप नहीं दे सकते हो अभी स्वेटर, तो आई एम श्योर हमको बहुत तकलीफ होती है कि हम उसकी हेल्प नहीं कर पाए। तो अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें डेफिनेटली अंदर से वी विल फील वेरी हैप्पी, तो हमें फीलिंग कौन सी होगी, हैप्पीनेस। ओके सो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज ओवर, क्लोथ्स एंड वेदर एंड क्लोथ्स, दिस चैप्टर नंबर 18 इज ओवर। सो टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर। सो टुडे आई लीव यू हियर ओनली, ओके, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन फॉर अटेंडिंग द क्लास।